माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के वीडियो में हम सीखेंगे टॉप 12 एक्सेल शॉर्टकट कीज के बारे में। यहाँ स्क्रीन पर दी गई सभी शॉर्टकट कीज को एक एक करके समझेंगे। पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल। यहाँ पर देखिए, यदि आप इस डेटा टेबल में फिल्टर लगाना चाहते हैं तो इस डेटा टेबल में कहीं भी क्लिक कर देंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके एल प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डेटा में फिल्टर अप्लाई हो गया है। इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करके आप फिल्टर को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। इसके लिए हम यहाँ शीट 3 पर आ जाएंगे। कंट्रोल डी का उपयोग किसी पिक्चर, शेप या फिर टेक्स्ट बॉक्स का डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक्सेल चार्ट है। इस चार्ट की यदि हम डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ हम इस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो गई है। इसी तरह से यदि हम इस शेप की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं तो इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल टिल्ड। ये एस्केप की के नीचे होता है। इसके लिए हम यहाँ शीट 4 पर आ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ इस डेटा टेबल में बहुत सारे फॉर्मूलाज अप्लाई किए गए हैं। अब यदि हम ये देखना चाहते हैं कि किस किस सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है तो इसके लिए कंट्रोल प्रेस करके टिल्ड की प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं डेटा टेबल में अप्लाई किए गए सभी फॉर्मूलाज यहां पर दिख जाएंगे। वापस से कंट्रोल टिल्ड प्रेस करेंगे तो शीट नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट वी। ये आप देख सकते हैं यहां इस डेटा टेबल में यहां पर फॉर्मूलाज लगाए गए हैं। अब यदि हम इस डेटा में से फॉर्मूला हटाना चाहते हैं, यानी इन वैल्यूज को एज ए वैल्यू पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम यहां पर इस डेटा टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके वी प्रेस कर देंगे तो आपके सामने पेस्ट स्पेशल का विंडो आ जाएगा। यहां डाउन एरो का प्रयोग करते हुए हम इसे वैल्यू पर ले आएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप देखेंगे यहां पर किसी भी सेल में फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला यहां पर हट जाएगा। ये फिर से हम कंट्रोल टिल्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर सभी सेल में से फॉर्मूला हट गया है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट डॉलर। इसके लिए हम यहाँ शीट 5 पर आ जाएंगे। यहां पर देखिए, ये जो वैल्यूज दी गई हैं, इनको यदि हमें करेंसी में करना है तो इसके लिए सिंपली हम इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके डॉलर साइन प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे सभी वैल्यूज करेंसी में कन्वर्ट हो गई हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। मान लीजिए यहाँ पर इन सभी सेल्स को हम परसेंटेज फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके परसेंटेज प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर इन सेल्स में जो भी आप टाइप करेंगे, जो भी वैल्यू आप टाइप करेंगे वो परसेंटेज में आएगी। जैसे हम यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं ये सभी सेल्स परसेंटेज फॉर्मेट में हो गई हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है F4। मान लीजिए ये 7th रो के ऊपर हमें एक रो इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ ये 7th रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो गई है। अब यदि हम यहाँ पर और भी रोज इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ आपको F4 प्रेस करना है। जितनी भी बार आप F4 को प्रेस करेंगे उतनी ही रोज इंसर्ट होते जाएंगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। F4 क्या करता है, F4 लास्ट कमांड को रिपीट करता है। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए इस सेल को सिलेक्ट किया और इसको कंट्रोल भी प्रेस करके हमने बोल्ड कर दिया। अब यदि आप सभी को बोल्ड करना चाहते हैं, सेल को सिलेक्ट करें और F4 प्रेस कर देंगे इस तरह से। तो F4 की सहायता से हम लास्ट कमांड को रिपीट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लीजिए इसका। मान लीजिए यहाँ पर हमें इस सेल में कलर करना है तो हम यहाँ होम पर जाएंगे और यहाँ से हम कोई कलर कर देते हैं। अब किसी अन्य सेल में हम कलर करना चाहते हैं तो वापस ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए इस सेल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम F4 प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कलर हो गया है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है ऑल्ट F1। इसके लिए हम यहाँ इस शीट पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये डेटा है। इसके लिए हम यहाँ पर यदि एक्सेल चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली ऑल्ट प्रेस करके F1 प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे एक्सेल चार्ट इंसर्ट हो गया है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर। इसके लिए हम यहाँ शीट 7 पर आ जाएंगे।
यहां पर देखिए हम इन रेंज को सिलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं इन सभी सेल्स में ए लिखा हुआ आ जाए, तो यहां पर हम ए टाइप कर देंगे और कंट्रोल प्रेस करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सभी सेल्स में ए लिखा हुआ आ गया है। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए यहां पर हम मल्टीपल रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से, और हम इन सभी सेल्स में ओके लिखना चाहते हैं, ओके टाइप करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे सभी सेल्स में ओके आ गया है। एक और एग्जांपल देखिए, यहां पर देखिए ये हमारे पास सैंपल डेटा है, इसमें जो ब्लैंक सेल्स हैं इन सभी सेल्स में हमें एन ए टाइप करना है। अब हम एक एक करके करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, रियल लाइफ में ये डेटा और भी बड़ा हो सकता है जिसे करना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए हम यहाँ इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, यहाँ स्पेशल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ देखिए ये ब्लैंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे सभी ब्लैंक सेल्स सिलेक्ट हो गई हैं। अब हमें जो भी ब्लैंक सेल्स में टाइप करना है उसको टाइप कर देंगे। हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं एन ए, कंट्रोल प्रेस करके एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सभी सेल्स में एन ए आ गया है, जो भी सेल्स ब्लैंक थी। नेक्स्ट शॉर्टकट की है ऑल्ट इक्वल। इसके लिए हम यहाँ शीट 8 पर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यूज दी गई हैं, इन वैल्यूज का यदि हम ऑटो सम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ लास्ट में इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट प्रेस करके इक्वल प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर सम फंक्शन लग जाएगा और एंटर प्रेस कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट प्रेस करके इक्वल प्रेस कर देंगे और एंटर कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर भी सम हो गया है। इसी तरह से ऑल्ट इक्वल का उपयोग करके हम यहाँ पर भी सम कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करेंगे और इक्वल प्रेस कर देंगे, एंटर कर देंगे तो सम यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एरो। इसके लिए हम यहाँ शीट 9 पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो सैंपल डेटा है, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और अब हम इस कॉलम की लास्ट सेल में जाना चाहते हैं जहां तक भी डेटा लिखा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस कर देंगे तो आप लास्ट सेल में आ जाएंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंट्रोल अप एरो प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर की सेल में आ जाएंगे उसी कॉलम में। ये हमने किया कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करके और कंट्रोल अप एरो प्रेस करके। इसी तरह से हम लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं, कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ राइट में लास्ट सेल में आ जाएंगे। इसी तरह से कंट्रोल प्रेस करके यदि हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो राइट की लास्ट सेल में आ जाएंगे जहां तक भी डेटा है। तो ये तो हुआ कंट्रोल एरो। अब यदि हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो प्रेस करते हैं तो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर इस सेल में हैं और अब हम इस कॉलम को पूरा सिलेक्ट करना चाहते हैं जहां तक भी डेटा है। तो इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे ये कॉलम सिलेक्ट हो गया है जहां तक भी डेटा है। कंट्रोल अप एरो प्रेस करके ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह से हमें यदि ये पूरी डेटा टेबल को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ फर्स्ट सेल में आएंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो प्रेस करेंगे और डाउन एरो प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। देखिए कंट्रोल ए का उपयोग सिलेक्ट ऑल के लिए किया जाता है। हम इस डेटा में कहीं भी क्लिक कर देंगे और कंट्रोल प्रेस करके ए प्रेस कर देंगे तो जितना भी आपके शीट में डेटा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप इन शॉर्टकट कीज को प्रैक्टिस जरूर करिए, इससे आपके काम में तेजी आएगी। इस प्रैक्टिस फाइल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।